नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राव, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ आरएमसीएस की टीम मौजूद है। हालांकि पिक्चर अभी मेकिंग में है, बनेगी 2025 में आएगी, लेकिन उसके पीछे ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। केआरके ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ उनके मेकर्स हैं। सर, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस से। पहले तो, और कुछ कंट्रोवर्सी जो चल रही है, उन्होंने कुछ कहा है इस चीज़ को। एक तो कहा है कि पिक्चर इस बजट की है, नहीं चलेगी, पैन इंडिया है, 5 भाषा में, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ कमेंट किया, कैसे देखते हैं? वो तो सारी फिल्मों को गाली देते रहते हैं। सलमान भाई को दिन में 10 बार वो गाली ना दे ले तब तक उनका शायद पेट नहीं भरता, ठीक है। और जो आउटसाइडर्स हैं, जो अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, उनको भी देते हैं, फिर वो स्टार किड्स को भी देते हैं। तो मेरे को लगता है उनका ना थोड़ा मेंटली डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसी बातें करते रहते हैं। फिल्म बनेगी और हमारी परफॉर्मेंस उसमें कैसी रहेगी, हमारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, टीम की कैसी रहेगी, वो तो बाद में डिसाइड होगा कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। वो पहले से ऐसा माइंडसेट बना के हम लोगों के लिए बैठ जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि मेंटली तो जैसे क्या है, क्रिटिक्स पिक्चर के एक तो बहुत अर्ली जजमेंट हो गया एक तरीके से, बहुत गलत भी है ना ये। हाँ। तो कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी है, उसका ट्रेलर देख के आप उसका रिव्यू कर देते हो। 600 करोड़, 500 करोड़ की बड़ी बड़ी फिल्म है। अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया है, नहीं कुछ नहीं पता चला है, पर मैं बाकी दूसरी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जिनके ट्रेलर देख के उनको जज किया जाता है, उसमें कितनी बड़ी टीम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। बट ट्रेलर देख के आप एक घर में बैठ के यूट्यूब पे फिल्म का रिव्यू कर देते हो। अभी बीच में कुछ टाइम पहले हैदराबाद कोर्ट से स्टेटमेंट आया था कि फिल्म का रिव्यू नहीं होगा शायद 2 या 3 दिन तक, जब तक फिल्म प्रॉपरली थिएटर में रिलीज नहीं हो जाती और उसकी मार्केटिंग नहीं जाती, तब तक कोई रिव्यू भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये लोग अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बातें किसी भी एक्टर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में करते रहते हैं, उसकी इंटेंशंस और उसकी मेहनत के बारे में सोचते भी नहीं। कमाल आर खान को तो सब आप लोग जानते ही हैं, उनकी कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं कि उनकी वीडियोज इसी वजह से चलते हैं। वो अगर ये सब ना करें तो शायद उनको फिर कोई देखे भी ना। सर, आप लोग जैसे आप डायरेक्टर हैं, गैब्रियल वत्स जी, और आप नीरज शर्मा जी हैं, प्रोड्यूसर हैं आप, तो इस प्रोजेक्ट को लेके क्या मन में चल रहा है, कैसा कुछ नया कॉन्सेप्ट है? देखिए, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी स्टोरी, उसको ऑडियंस पर्सपेक्टिव से आप कैसे बना के उनकी जिंदगी में क्या बेहतर फर्क डाल सकते हैं, क्या समाज की रियलिटी दिखा सकते हैं और उसमें उनका एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है, उस हिसाब से इस मूवी में 4-5 साल से टीम लगी हुई है। काफी हुआ है कंटेंट, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी को भी पूरा अच्छे से जज किया है कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो मैं अभी ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये नाम के पीछे जो ये जो RMCS है, ये क्या है, फुल फॉर्म भी और यही नाम क्यों? ये एक्चुअली ये प्रोमो में रिवील हो पाएगा फिल्म के। अच्छा, नाम भी नहीं बताएंगे? नहीं, वो प्रोमो है, नाम टाइटल ही प्रोमो है। RMCS, अलग अलग कैटेगरी में इसका प्रोमो है। अच्छा, तो उसी में ही वो रिवील हो पाएगा। अच्छा, तो ये मेन USP इसी टाइटल पे ही है फिल्म। अच्छा, तो ये हम लोग कब तक जनता को, अगर आप कुछ बताना चाहें? दिवाली पे हम लोग इसका फर्स्ट लुक रिलीज करेंगे, ऐसा प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो और ये किसी, जैसे आपने बताया कि 5 साल से काम चल रहा है, तो क्या किसी कॉज के ऊपर है क्या? कॉज के ऊपर नहीं है, हमारी टीम में राइटर है सीमा सैनी जी, उन्होंने इंडस्ट्री में 3 सालों से काम किया है, तो हमारा, और उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, इवन हमारे प्रोड्यूसर के जो उनका अदर बिजनेसेस रहा है, तो उसमें भी जो उनकी ग्रोथ रही है, तो वो भी अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया है। तो कॉज पे नहीं है किसी, बट क्या होता है कि किसी भी फिल्म को उसको प्रॉपरली जो विजन पे हम देख रहे हैं उसको पिक्चराइज करने के लिए उनका स्क्रिप्ट पे काम, उनके एक्टर्स पे काम, किस तरीके की कास्टिंग होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से जब तक आप उस फिल्म को नहीं गुजारेंगे, तो जो इमोशन है, मुझे नहीं लगता उस तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा। कोई टारगेटेड नहीं था 4-5 साल का, बट इतने सारे ड्राफ्ट लिखे गए, फिर हमारी लोकेशंस को लेके चीजें चल रही थी, हमारी फिल्म बड़े बजट की फिल्म है, पैन इंडिया फिल्म है, इसमें VFX का काफी काम है, तो जैसे वो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस का हम लोग पार्ट हैं। जैसे वही चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे या तो फिल्म बड़ी तभी होती है जितना टाइम तभी लेती है, या तो VFX बहुत इन्वॉल्व होता है, या तो कोई सीरीज का हिस्सा होती है कि समय ले रहा समय ले रहा। एक चीज बोल रहे कि अगर आप ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं और कोई सब्जेक्ट, तो आप उसको रियल लाइफ के एक्सप्लोरेशन से, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जुड़े हुए सक्सेसफुल फेलियर लोगों से उस कंटेंट को कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका म्यूजिक सिचुएशनल है। सो अगर कोई परफेक्शनिस्ट है, वो आमिर खान जी हो, चाहे अगर न्यू कमर्स के बारे में भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी स्क्रिप्ट पे, स्टोरी पे, म्यूजिक पे और उस पर बहुत अच्छे से काम करके उसको परफेक्शनिस्ट की तरह से न्यू कमर्स भी बना सकते हैं। आपने जैसे इस पिक्चर में दर्शन कुमार को लेके इसको आगे आप लोग बढ़ रहे हैं, तो उनका काम तो उन्होंने पहले कश्मीर फाइल्स में और भी मूवियों में देख रखा है,
तो उनको आपने उन किसी पर्पस की वजह से चुना होगा कुछ देख के? पर्पस उसके पीछे तो यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को लेकर जिसको सिलेक्ट किया गया किसी भी आर्टिस्ट को, सो उसका एक अपना एक पर्सोना है, उसका अपना एक कैरेक्टर में घुसने का एक कनेक्टमेंट है। तो वो जो मैंने जितनी मूवीज दर्शन कुमार जी की देखी है तो वो अपने कैरेक्टर को जीने में पूरा अपना 100% डाल। जैसे किसी किसी जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी लोग स्टार फेस को देख के रखते हैं और कभी कभी एक्टिंग स्किल्स को देख के रखते हैं, किसी किसी के पास दोनों होता है। सो हम लोग यहाँ किसी स्टार को तो नहीं क्रिएट कर रहे, बट जो कंटेंट है और जो म्यूजिक है और जो लिरिक्स है, जो मैसेज है और जो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से परोसा गया है, उसमें बहुत सारे इमोशंस के वेरिएशन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से है। अच्छा, एक दो सवाल और मैं लेना चाहता हूँ। एक तो ये कि केआरके ने इनका भी नाम लिया था दर्शन कुमार को लेके भी, क्यों इनको ही, क्या है मतलब उनको, आपको इशू क्या लग रहा है कि इनके नाम से क्या दिक्कत है, इनका नाम जुड़ जाएगा तो कोई इशू है? मैंने तो पहली बार कमाल भाई के ये स्टेटमेंट्स सुने हैं, बट मुझे बड़ा देख के डिसअपॉइंटमेंट लगा। और मैं उनको स्पेशली इस बात को बोलना चाहता हूँ कि मुझे बोल रहे थे कि आए तो है एरोप्लेन में और शूज में और जाएंगे चप्पल में, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उनका ये स्टेटमेंट झूठा निकला तो कृपया करके वो चप्पल में वापस जाएं और अपना कहीं गांव में जाके काम धंधा करें। इस इंडस्ट्री में तो न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा एक वेलकम होना चाहिए। और हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोग कोई वो शौकीन लोग नहीं है, हमने कंटेंट को समझा है, सब चीजों को देखा और हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि TN पोएट्री स्टूडियोज इसी मार्केट में हमारे जैसे प्रोड्यूसर के साथ में एक इंटेलेक्चुअल सिनेमा को एक नए रूप में जानने वाला है और हम कह के लेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने बताया 5 साल लग रहे हैं और आजकल की कमर्शियल पिक्चरें जो होती हैं 6 महीने में बनके तैयार हो जाती हैं, तो 5 साल लग रहा है तो कुछ तो स्टोरी में दम होना चाहिए। मैं मुझे डायरेक्टर साहब हर कमिटमेंट लेकर आए, ज्यादा नहीं बोले। अच्छा, मतलब आप क्यूरियोसिटी ही बिल्डअप कर रहे हैं जनता के मन में और वही खुजली होगी कि हम कुछ देखेंगे, कुछ बढ़िया मिलने वाला है। जब हम बोलते हैं कि हर किसी को मूवी बनाते हुए लगता है कि उसकी मूवी कमाल होती है, बट अगर हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बनाने के लिए आपको ग्राउंड उतरना होगा, लोगों की जिंदगी में उतरना, मतलब वेल रिसर्च्ड कम्युनिटी स्पेसिफिक है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नशे की एक जर्नी है। अच्छा, तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें वो एक कम्युनिटी है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, उस वजह से बदनाम भी है, कुछ लोग उसकी वजह से नाकामयाब भी है, बड़े सारे रिश्तों में बहुत सारी चीजें भी है, तो इसकी एक जर्नी जरूर नहीं है। लोग हैं, नया काम करने वाले लोग हैं जो कुछ अलग ही लेके आ रहे हैं और ऑडियंस भी कुछ नया ही खोज रही है, वो पक चुकी है वही पूरा फॉर्मेट। जो आप बोले ना 6 महीने में फिल्म बना लेते हैं, हाँ, तो गुली गुली फिल्मों को देखते देखते ना ऑडियंस बताना चाहते हैं कि हम 40-50 करोड़ लगाकर 100-150 करोड़ फिल्म लेके जाएंगे और कह के लेके जाएंगे। नहीं देखिए, बाहर में कौन जाता है वो देखते नहीं, वो तो गए हुए ना वैसे भी, कुछ बाहर ही चल रहे चप्पल में, लंदन उनका शायद इंडिया में उनका बैन भी हो गया ना कुछ, हाँ उनका कुछ बीच में लगा था कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे, तो मैं मानसिक रूप से थोड़ा वो खैर वो दोनों तरफ चलते हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स हैं जो अपनी टीम में कुछ लोगों को देते रहते हैं, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी बात कह रहे हैं मेकर्स, क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, खैर अगर वो देखें या उनकी कोई जनता देखे तो कमेंट करके जरूर बताए कि इस मूवी पे केआरके के टेक पे, इनके टेक पे क्या कहना है जनता का। सर, इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही नए चेहरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, फिर मिलेंगे, नमस्कार।